अभी हम लोग क्लास नाइन्थ के फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, इसके 6-7 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाला वीडियोज आप लोगों को मिल सके, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि जो भी वीडियो हम आगे बनाए वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है कि हु आर द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर टू हर्ड देयर सीप गोट एंड कैटल। उन लोगों को क्या कहा जाता था जो लोग एक जगह से दूसरे जगह आया जाया करते थे, किस चीज के लिए? अपने सिप्स को या बकरियों को, गोट को या कैटल्स को चराने के लिए उन लोगों को कहा जाता था। ये जो चैप्टर में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू पैस्टोरलिस्ट, ठीक है, उन लोगों को पैस्टोरलिस्ट कहा जाता था, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाउ मच एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड वॉज क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज, कल्टिवेशन, पास्चर एंड फायरवुड बिटवीन 1700 टू 1995। तो देखिए, पूरे के पूरे वर्ल्ड का कितना हिस्सा जो जंगल का था उसको काट दिया गया, किस चीज के लिए? जरूरत की चीजों को, जैसे इंडस्ट्रियल यूज को पूरा करने के लिए, या फिर कल्टीवेशन करने के लिए, कल्टीवेशन का मतलब खेती करने के लिए, या फिर चारागाह बनाने के लिए, या फिर जलावन के लकड़ियों के लिए, इन सब के लिए कितना हिस्सा, कितना एरिया काट दिया गया जंगल का? वो अप्रोक्सीमेटली जो एरिया है 13.9 स्क्वायर किलोमीटर, 13.9 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको क्लियर कर दिया गया, ठीक है, उसको काट दिया गया, साफ कर दिया गया जंगल से, ताकि अब वो अपने इंडस्ट्रियल यूजेस को या पास्चर्स को या फायरवुड का जो भी उनका डिमांड है उसको पूरा कर सके। और इतना एरिया कितने सालों में? अप्रोक्सीमेटली लगभग 300 सालों में, क्योंकि 1700 से 1995 का जो समय है लगभग 300 साल से 5 साल कम है, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि हाउ मच इंडियाज लैंड मास हैड बीन अंडर कल्टिवेशन इन 1600, जो 1600 का समय था, 1600 का समय था, उस समय पूरे के पूरे भारत के लैंड मास का कितना हिस्सा कल्टिवेशन के अंदर में था? तो वो था मात्र 1/6, 1/6। मतलब इंडिया का अगर टोटल लैंड इतना है तो मात्र इसको अगर हम लोग 6 भागों में बांट देते हैं, 2, 4, 5, 6, अगर 6 भाग में है तो सिर्फ एक हिस्सा जो था 1/6 उसका कल्टीवेशन के अंदर था, मतलब उस समय बहुत ज्यादा खेती नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मच स्लीपर्स वेयर रिक्वायर्ड फॉर ईच, देखिए यहाँ मेल नहीं है, यहाँ माइल होगा, ईच माइल रेलवे ट्रैक। तो 1 माइल रेलवे ट्रैक के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना स्लीपर्स चाहिए होता था? तो ये चाहिए होता था 1762 2000, अप्रोक्सीमेटली 1762 2000 स्लीपर्स की जरूरत होती थी। किस चीज के लिए ये जरूरत होती थी? रेलवे ट्रैक्स को, मतलब 1 मील जो रेलवे ट्रैक बनाना है उसमें अप्रोक्सीमेटली 1762 2000 स्लीपर्स लगते थे। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन, एक सेकेंड इंक हटा देते हैं सारा, एक्सप्लेन एनी थ्री रीजन फॉर द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। जब यहाँ पे अंग्रेज आए थे यानी कॉलोनियल पीपल आए थे, तो हमारे देश में जो कल्टीवेशन का एरिया, मतलब खेती का एरिया, जैसे कि जंगल को क्लियर किया गया, तो खेती का एरिया जो है वो अचानक क्यों बढ़ गया, इसके पीछे के क्या कारण है? तो जो जंगल का एरिया है उसको क्लियर किया गया किस चीज के लिए? खेती के लिए। तो अचानक ऐसा क्या वजह रहा, क्या ऐसा कारण रहा जिसके वजह से इन जंगलों को क्लियर करके खेती का एरिया जो है वो बढ़ा दिया गया? ये सवाल है। देखिए बहुत बेसिक सा और इजी सा आंसर है कि जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तो वो यहाँ पर एक व्यापारी के रूप में आए थे, और उनको चाहिए था बहुत सारा
रॉ मटेरियल या वैसा मटेरियल चाहिए था या वैसा क्रॉप चाहिए था जिससे कि वो लोग क्या कर सके, अपना कमर्शियल क्रॉप जिससे वो लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना सके। तो ब्रिटिश डायरेक्टली क्या करते थे कि वैसे चीजों को इनकरेज करते थे जिनको आप लोग क्या कह सकते हैं, कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स किसको कहा जाता है, वैसे क्रॉप्स जिससे हमको पैसा मिले। तो जंगलों को काटकर ये लोग कैश क्रॉप उगाने के लिए कहते थे, ठीक है। उसके बाद जो अर्बन सिटी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के बाद शहरीकरण होने लगा, गांवों को धीरे धीरे शहरों में बदला जाने लगा। तो जब शहरीकरण होने लगेगा तो लोगों के खाने पीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, अन्न चाहिए, ग्रेन्स चाहिए। तो वो जो ग्रेन्स है उसको उगाने के लिए फिर जमीन चाहिए। तो वो दो कारण हो गया, एक तो कैश क्रॉप उगाने के लिए, दूसरा फूड ग्रेन्स ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए, और तीसरा जो है बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के लिए। बहुत सारे रॉ मटेरियल ऐसे होते थे जिनको उगाने के लिए, जो देखिए जैसे जूट, सुगर, वीट और कॉटन है, ये कॉमर्शियल क्रॉप है, ये ज़्यादा बिकता था, पैसा अच्छा मिल जाता था। उसके बाद 19th सेंचुरी आते आते यूरोप में फूड ग्रेन्स का डिमांड हो गया, क्योंकि वहां पे अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो वहां पे जो फूड ग्रेन का डिमांड हुआ उसको पूरा करने के लिए भी लोग इंडिया से ही फूड ग्रेन ले जाने लगे। तो उसके लिए यहाँ पे कल्टीवेशन बढ़वा दिए, कल्टीवेशन का एरिया बढ़वा दिए। तीसरा जो है बहुत सारा उनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसके लिए उन लोगों को रॉ मटेरियल चाहिए था, वो भी रॉ मटेरियल इन लोगों ने यहीं से भेजना शुरू कर दिया। तो इंडिया का जो कल्टीवेशन का एरिया है वो बढ़ गया, ठीक है। क्वेश्चन दिया है अगला कि राइट सम प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये तो देखिए आप ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। जैसे क्या क्या, जैसे आप मान सकते हैं कि फ्रूट्स है, फ्रूट्स है जो कि हमको फॉरेस्ट से मिलता है। उसके बाद बहुत सारा ऐसा रूट है जो कि हम लोग खाने में यूज करते हैं, तो फ्रूट्स एंड रूट्स हो गया जो कि हमको फॉरेस्ट से मिलता है। उसके बाद फॉरेस्ट क्या करता है, हम लोगों को टिम्बर प्रोवाइड करता है। अच्छा टिम्बर किसको कहते हैं, देखिए जो वुड किसी ना किसी पर्पस के लिए काम आ रहा है उसको टिम्बर कहते हैं। तो ये जो है टिम्बर हमारे काम आ जाता है टिम्बर के लिए। उसके बाद तीसरा जो है बहुत सारा चीज है जो कि हमारे कमर्शियल चीजों में काम आ जाता है, जैसे मतलब हनी है ये तो खाने में यूज हो गया, फिर गम है गम यूज हो जाता है। उसके बाद क्या है, रबर है, रबर है, फॉडर्स जो होता है जो गाय भैंस के खाने के लिए चारा होता है, ठीक है। बहुत सारा चीज है जो हम लोगों को जंगल से मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जो कि हम लोगों को जंगल से मिल जाते हैं, या उन लोगों को उस समय में जब कॉलोनियल रूल था तो जंगलों से ये सब चीज लिया जाता था, ठीक है। फिर अब हम लोग करने जा रहे हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन रीजन फॉर रैपिड डिजैपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट के कटने का या जो तेजी से फॉरेस्ट गायब होने लगा इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए इसके पीछे का बहुत सारा कारण है, जैसे कि पहले तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे जब इंडस्ट्रीज सेट किया गया तो ये इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेट किया जाएगा, इंडस्ट्रीज को सेट करने के लिए लैंड चाहिए, जमीन, और जमीन पर क्या उगा हुआ था, जमीन पर उगा हुआ था फॉरेस्ट। तो इन पेड़ों को काट दिया गया और इन पेड़ों को काट कर यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप किया गया। तो फॉर द सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट वॉज क्लियर, ठीक है। दिस इज द रीजन ऑफ द डिजैपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, दूसरा रीजन हो गया कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन था उसके लिए एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड चाहिए था, ठीक है, फॉर फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ व्हाट, डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। ये ग्रोइंग जो पॉपुलेशन था इनके फूड के डिमांड को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर किए जाने लगे। तो इसमें क्या हुआ, ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होने लगे इसके वजह से भी जंगल को क्लियर किया जाने लगा। उसके बाद बहुत सारे फ्यूल वुड को एज अ फ्यूल यूज किया जाने लगा। तो बहुत सारा फ्यूल कट, मतलब फ्यूल वुड जो है फ्यूल के लिए कट गया। उसके बाद एक और रीजन रहा जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ के जंगल के लकड़ियों को स्लीपर्स के लिए, ठीक है, स्लीपर्स के लिए यूज करने लगे, तब भी जंगल कटा। उसके बाद उनके बोट में ये काम आने लगे यहाँ की लकड़ियाँ, फिर उसके लिए वीपन्स बनने लगे। तो इन सब में यहाँ की लकड़ियों का यूज होने लगा, ठीक है।
तो ये कारण थे जिसके वजह से इंडिया के फॉरेस्ट अचानक बहुत तेजी से गायब होने लगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं +91947259635352, और आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है rohit.sing@gmail.com। आप यहाँ पे हमको नोट्स के लिए मेल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप से ज्यादा अच्छा है कि आप हमको मेल कर दीजिएगा नोट्स के लिए। नोट्स के लिए हम आपको मेल ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स जो है मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है सारा का सारा, तो हम आपको मेल कर सकते हैं बड़े आसानी से। और अगर आपको अपना क्वेश्चन कोई भेजना है तो मेरे व्हाट्सएप को यूज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।